बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं टिड्डे की सब्ज़ी। हम इसको मटन में डाल के बनाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। आजकल के बच्चों को ये पसंद नहीं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो सब खाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी प्याज, लहसुन अदरक का एक एक टेबलस्पून, तीन चार टमाटर, नमक मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ के जी मीट लेंगे हम। लहसुन अदरक और टमाटर को हम ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने प्याज ऐड किया, फिर लहसुन अदरक और टमाटर ग्राइंड किया हुआ डाल दिया, उसके बाद मीट मसाले ऐड कर दिया, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको पकने के लिए रखते हैं। आधा घंटा हम इसको पकाएंगे। जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा फिर हम आगे सब्जी इसमें ऐड करेंगे। टिंडे हमने 1 kg लिए हैं, इसको हमने इस तरह काट लिया है। अब गोश्त हमारा गल चुका है, अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मैं टिंडे की सब्जी देसी घी में बनाती हूँ। हम इसमें 4-5 चम्मच घी के ऐड करेंगे, फिर हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त की बनाई करते हुए अगर हरी मिर्च ऐड कर दी जाए तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। हमने इसमें हरी मिर्च डाली, अब हम इसको इसके साथ अच्छी तरह से भुनेंगे। गोश्त अब रेडी है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे गोश्त को। क्योंकि जब सब्ज़ी ऐड करेंगे फिर ये टूट ना जाए, फिर जब हमारी सब्ज़ी गल जाएगी हम इसको दोबारा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे। सब्जी को 2-3 मिनट तेज़ आंच पर पकाएंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख देंगे। जो इस सब्जी के सीक्रेट थे वो हम सब्ज़ी गलाते हुए अब ऐड करेंगे। हम इसको ढकते हैं। अनारदाना, पुदीना और सूखा धनिया और ज़ीरा, इनको अच्छी तरह कूट लेना। अनारदाना, पुदीना, इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब हम इसको सब्ज़ी में ऐड करेंगे।
साथ ही हम हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया ऐड करेंगे। अब जब सब्ज़ी अच्छी तरह गल जाएगी तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। पाँच दस मिनट में सब्ज़ी भी गल जाती है। सब्जी हमारी लगी है, अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसमें हमने गोश्त ऐड किया, अब हम इन दोनों को एक साथ अच्छी तरह भूनेंगे। हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। लास्ट में इसमें धनिया और हरी मिर्च हम ऐड करेंगे। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये सब्ज़ी, बहुत अच्छी बनेगी। रोटी और रायते के साथ इसका अपना ही मज़ा है, आप ट्राई ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।